हेलो एंड वेलकम टू साउथ जीरो ऑयल कुकिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 7 डेज थायराइड वेट लूज सीरीज का डे 4 का मेन्यू प्लान। तो चलिए डे 4 की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम सर्व करेंगे वेजिटेबल पैनकेक। सबसे पहले हम एक बड़े बोल में एक स्मॉल बोल चने का आटा और एक स्मॉल बोल रागी का आटा डालेंगे। फिर इसमें हम एक स्मॉल बोल सूजी, एक स्मॉल बोल दही, हाफ बोल कैरेट, हाफ बोल येलो बेल पेपर, हाफ बोल रेड बेल पेपर और हाफ बोल अनियन और हाफ बोल कैप्सिकम डालकर फिर इसमें हम हाफ बोल धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और हाफ कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम एक पैन गरम करेंगे और उस पर कुछ इस प्रकार से इस मिक्सचर को फैला देंगे। फिर हम इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा वेजिटेबल पैनकेक बनकर तैयार है। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। चलिए अब हम मिड मॉर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। मिड मॉर्निंग में हम एप्पल ओट स्मूदी सर्व करेंगे और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार में एक बोल एप्पल, एक बोल ओट्स और 2 खजूर, 1 टेबलस्पून हनी और 1 कप दूध डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमारी स्मूदी बनकर तैयार है। अब इसे हम एक ग्लास में सर्व करेंगे। लंच में हम काला चना कड़ी, चपाती, पहाड़ी रायता के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हम काला चना कड़ी बनाएंगे और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में एक बोल चना डालेंगे। फिर इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर 4 सीटी आने का इंतजार करेंगे। हमारे चने पक चुके हैं। अब हम एक गरम पैन करेंगे, उसमें 1 टीस्पून जीरा और सूखी लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम एक बोल अनियन की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भुनेंगे। फिर इसमें हम एक बोल टमाटो प्यूरी डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून ग्रीन चिली डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने को रख देंगे। फिर इसमें हम एक बॉइल्ड आलू मैश कर डाल देंगे। अब हम एक बोल बॉइल्ड चना इसमें ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। हमारे काले चने की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसके साथ पहाड़ी रायता बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार में एक बोल पुदीना के पत्ते, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 चौथाई हल्दी पाउडर डालकर इन्हें पीस लेंगे। फिर हम एक बोल में दही में इस चटनी को मिला देंगे। और फिर इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड करके मिला लेंगे। हमारा पहाड़ी रायता बनकर तैयार है। दोस्तों अब हम काले चने कड़ी को पहाड़ी रायता, चपाती और क्यूकम्बर सैलड के साथ सर्व करेंगे। मिड इवनिंग में हम स्प्राउट्स मूंग दाल सर्व करेंगे और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बोल में मूंग दाल और मोट दाल डालेंगे और उसमें फिर हम 1/2 बोल क्यूकम्बर, 1/2 बोल अनियन,
हाफ बोल टोमेटो, हाफ बोल धनिया के पत्ते और एक टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बोल में डालकर सर्व करेंगे। दोस्तों, डिनर में हम सर्व करेंगे रोस्टेड टोमेटो गार्लिक सूप। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक स्टैंड रखेंगे और उस पर टमाटर और एक गार्लिक रखकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इन सभी टमाटरों का छिलका निकाल कर रख लेंगे और फिर इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। फिर हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें इस टोमेटो प्यूरी को डाल देंगे। इसे थोड़ी देर बॉईल करेंगे, फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। हमारा टोमेटो गार्लिक सूप बनकर तैयार है। टोमेटो गार्लिक सूप को हम एक बोल में डालकर सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको डे 4 थायराइड वेट लूज सीरीज की रेसिपी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और डे 5 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल ज़ीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।